साल मैंने भैया ने पार्टिसिपेट किया है, जो वेबसाइट मुझे इस साल मिली है वो एबिलिट कूपन के नाम से, ये वेबसाइट एक कूपन वेबसाइट है, इस वेबसाइट में आपको तरह तरह के बोनस मिल जाएंगे, यहाँ तक के आपको फास्ट फूड से रिलेटेड, ब्यूटी हो गई, क्लोथिंग हो गए, इलेक्ट्रॉनिक कोई भी सामान होगी उसके वेबसाइट आपको कूपन यहाँ पे अवेलेबल होंगे। यहाँ पे मैंने इस वेबसाइट में 6 पेजेस बनाए हैं, उनमें से एक पेज हमारा कूपन का पेज है, एक हमारा कूपन का पेज है, एक हमारा कॉन्टेक्ट का पेज है, एक हमारा सबमिट कूपन का पेज है और एक हमारा न्यूज का पेज है। इन सब पेजेस हमारे पास पेजेस हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप जब मेरी वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो आप किस तरह उस कूपन को यूज कर सकते हैं। जब आप हमारी वेबसाइट पर आके उसको विजिट करेंगे तो जो भी आप किसी का कूपन खोलेंगे, किसी प्रोडक्ट का जब आप कूपन खोलेंगे वो प्रोमो कोड आपके सामने शो होगा। जब आप प्रोमो कोड पर क्लिक करेंगे तो अपने आप कॉपी हो जाएगा, कॉपी करने के बाद फिर आप वहाँ से सबमिट कूपन के पेज पर चले जाएंगे। वहाँ जाके जो और भी रिक्वायरमेंट्स होंगी, आपका नाम, कूपन का नाम और जो कुछ भी होगा वो सब वहाँ पे आप फिल करेंगे और उसको सबमिट कर देंगे। इसी तरह आप ये कूपन किसी बाहर की वेबसाइट में भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको कॉपी करने का तरीका बताया, इसी तरीके से आप कूपन कॉपी करेंगे किसी भी बाहर की वेबसाइट में, KFC, मैकडोनल्ड्स, दराज और कोई सी वेबसाइट होगी वहाँ पे जाके आप उसको सबमिट कर सकते हैं बड़ी इजीली। सो चले फिर हम आपको वेबसाइट पे चलते हैं, आपको अपनी वेबसाइट का विजिट करें। तो आप देख सकते हैं ये हमारी वेबसाइट है, ये मैंने वर्चुअल के जरिए बनाई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारे पेजेस हैं, एक हमारा मेन पेज है जो होम का है, सेकंड जो हमारा पेज है वो ब्राउज़र कूपन्स का है, नेक्स्ट पेज जो थर्ड पेज जो हमारा है वो कैटेगरीज, फोर्थ पेज कॉन्टैक्ट, फिफ्थ पेज माई अकाउंट, सिक्स्थ पेज न्यूज़ एंड सेवन्थ पेज स्टोरेज एंड 8th पेज सबमिट कूपन। चलिए हमने सबसे पहले पेज मेन होम पेज पर चलते हैं। ये हमारा होम पेज है, इधर आपको एक स्लाइडर नज़र आ रहा है जिसके अंदर मैं कुछ कूपन्स है जो डिस्प्ले करवा रहा हूँ। यहाँ पे आपको दो कूपन्स नज़र आ रहे हैं, उनके फीचर इमेज और उनकी डिटेल वगैरह। इसके आपको बराबर में ही यहाँ पे एक पैनल नज़र आ रहा है जिसके अंदर कैटेगरीज हैं सारी जो आप देख सकते हैं। उससे नीचे चलें तो आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारे पास ट्रेंडिंग स्टोर है, एक पैनल में नाम है इसके ट्रेंडिंग स्टोर दिखा रहा है। यहाँ पे आपको सारे स्टोर नज़र आ जाएंगे जो लेटेस्ट हैं, पुराने हैं, सारे स्टोर यहाँ पे आपको डिस्प्ले होंगे। उससे नीचे चलें तो यहाँ पे आपको हमारे कूपन्स नज़र आएंगे जो लेटेस्ट हैं, पुराने हैं, वो सारे कूपन्स यहाँ पे आपको शो हो रहे होंगे, तो आप इसमें से किसी पे भी अप्लाई कर सकते हैं। चलो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जो हमारा ब्राउज़र कूपन्स का है। जी तो आप ये देख सकते हैं ये ब्राउज़र कूपन्स का हमारा पेज है। इस पेज पे आपको हमारे सारे के सारे कूपन्स डिस्प्ले होंगे, जो हमारा लेटेस्ट कूपन होगा वो और जितने भी हमारे सारे कूपन्स हैं न्यू या फिर पुराने, या फिर आपको सारे के सारे कूपन्स यहाँ पे आपको शो हो रहे होंगे। चलो हम अपने नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जो हमारे कैटेगरीज का पेज है। जी तो इस पेज पे आपको सारी कैटेगरीज नज़र आएंगी, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे ब्यूटी है, क्लोथिंग है, इलेक्ट्रॉनिक, स्पोर्ट्स, मोबाइल, फ्री राइड्स, जितने भी कूपन जितनी भी कैटेगरीज हैं आपको सब नज़र आएंगी। अब आप जैसे कि आपको क्लोथिंग के अंदर कोई कूपन चाहिए तो आप उस क्लोथिंग की कैटेगरी में आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर वो आपको स्टोर और कूपन शो करवा देगा जिसके आपको क्लोथिंग में जैसे कि आपको चाहिए तो वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले कूपन हो जाएगा। और अभी उस कूपन को यूज़ कैसे करेंगे ये मैं भी थोड़ी देर में आपको आगे चल के बताता हूँ। चलिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जो हमारे कॉन्टैक्ट का पेज है। जी तो आप यहाँ पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी आएगी, यहाँ पे आपके मैसेज का सब्जेक्ट और जो भी आपको कूपन या किसी भी रिलेटिव जो भी पूछना है वो आप यहाँ पे हमें टाइप करके सेंड मैसेज कर देंगे तो वो मैसेज हमारे पास आराम से आ जाएगा। हमने नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जो हमारे माय अकाउंट का पेज है। जी तो आप देख सकते हैं ये माय अकाउंट का पेज है, यहाँ पे जो अब अभी कोई बाहर से यूज़र आएगा तो वो यहाँ के अपना अकाउंट देख सकता है जो हमारा अकाउंट बना हुआ होगा। और वो फिलहाल इस पेज का इतना कोई काम होगा नहीं यूज़र के लिए क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एडमिन ही पेज बनाया हुआ होता है। चलिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जो हमारे न्यूज़ का पेज है। जी तो आप यहाँ देख सकते हैं इस न्यूज़ के पेज में आके यहाँ पे आपको हमारे सारे कूपन्स की डिटेल्स मिलती रहेगी, जो भी हमारा लेटेस्ट नया कूपन आएगा उसकी, यहाँ पे आपको हमारे कूपन्स के रिलेटेड हर जो भी नया पुराना जो भी होगी सबकी डिटेल्स आपको यहाँ से बहुत इजीली मिल सकती हैं। चलिए हमने नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जो हमारे स्टोर का पेज है। जी तो आप ये देख सकते हैं इस स्टोर के पेज में आपको सारे के सारे स्टोर डिस्प्ले हो रहे होंगे जिन्होंने अपने कूपन्स हमारे इधर डिस्प्ले करवाई हुई हैं वेबसाइट पे। यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास करीम है, दराज है और भी काफ़ी सारे स्टोर्स हैं जो हमारे पास यहाँ अवेलेबल्स हैं। चलो हम लास्ट पेज पे चलते हैं जो हमारा सबमिट कूपन का पेज है। जी तो आप ये देख सकते हैं सबमिट कूपन का पेज यहाँ आपके पास हमने ओपन हो गया है।
इस पेज पे आप यहाँ पे अपना स्टोर, अपनी कैटेगरीज, जो आपके कूपन का प्रोमो कोड है वो यहाँ पे आप डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपनी फीचर इमेज और जो भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है उन सबको पूरा करके आपने यहाँ पे सबमिट कूपन कर देना है, वो कूपन सबमिट हो जाएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कोई भी कूपन किस तरह यूज़ कर सकते हैं और कैसे यहाँ पे इसको सबमिट करेंगे। चलिए हम वापस अपने ब्राउज़र कूपन की तरफ चलते हैं, ब्राउज़र कूपन की पेज की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमें सारे कूपन डिस्प्ले हो रहे हैं जी, तो यहाँ पे सारे कूपन हैं जो आप देख सकते हैं। हम यहाँ पे करीम के कूपन को यूज़ करते हैं। अब जैसे यहाँ पे गेट कूपन लिखा हुआ, गेट कोड लिखा हुआ है, आप उस पर क्लिक करेंगे जी, तो आप देख सकते हैं ये लोड हो गई और यहाँ पे आपका प्रोमो कोड आ गया। फिर आप क्या करेंगे, उस प्रोमो कोड पे आपने करना है एक टैप। तो जैसे ही आप टैप करेंगे तो आपको यहाँ देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है कोड इज़ कॉपी, तो यहाँ पे ये कोड जो है वो कॉपी हो जाएगा बड़ी ईजीली। फिर आप उसके बाद यहाँ से दोबारा अपने सबमिट कूपन की पेज की तरफ चलेंगे जी। इसको पेज पे जाने के बाद आपने यहाँ पे स्टोर सेलेक्ट करना है, जैसे कि मैंने करीम का अभी आपके सामने कूपन लिया, तो आप करीम कैटेगरी, करीम हमने किस कैटेगरी में यूज़ किया हुआ है आप वो देखेंगे। फ्री राइड्स में हम फ्री राइड की तरफ कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे जो कूपन था जो हमने वहाँ से कॉपी किया था उसको आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। फिर आपने यहाँ से फीचर इमेज चाहिए जो आप वहाँ से जाके सेव कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप उस फीचर इमेज को जी, तो यहाँ से आपने वो फीचर इमेज करके उसको यहाँ पे आपने कर दिया है। और अब यहाँ पे आके आप कूपन का जो टाइटल है, जैसे हमारे कूपन का टाइटल करीम ही हम ले लेते, करीम था, यहाँ पे करीम हमने लिख दिया। उसके अलावा एक्स वाई जेड आप जो भी कूपन रिलेटिव देख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ दिस इस जी, यहाँ पे मैंने जैसे ये लिख दिया। और उसके बाद यहाँ पे कर देंगे सबमिट कूपन, और यहाँ पे देख सकते हैं आप लिखा हुआ आ गया कूपन इज सबमिटेड फॉर रिव्यू। तो यहाँ पे आपका कूपन बड़ी इजीली सबमिट हो गया है, आप कोई भी कूपन यहाँ पे हमें सबमिट करवा सकते हैं बड़ी इजीली। और हाँ, और अगर आप चाहते हैं कि आप ये प्रोमो कोड किसी दूसरी वेबसाइट पर, जैसे कि मैकडॉनल्ड वगैरह और भी जो भी हमारे पास यहाँ पे फीचर इमेज है इसमें अवेलेबल हैं, वो आप इजीली इसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप कूपन पे जाएंगे, कैट कोड पे क्लिक करेंगे, फिर जो प्रोमो कोड आएगा आप उस पर क्लिक करेंगे, जब वो कोड कॉपी हो जाएगा तो आप किसी दूसरी वेबसाइट पर जाकर वो कोड बड़ी इजीली आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये जी हमारी वेबसाइट थी, तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वेबसाइट पसंद आई होगी। सो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।